हेलो गार्डनर्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सनशाइन बालकनी गार्डन। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इजी टू ग्रो और पार्शियल शेड में जो फ्लावर प्लांट्स होते हैं, यानी कि कम धूप में चलने वाले फ्लावर प्लांट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। अगर आपके बालकनी में या फिर आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे सिर्फ 4 से 5 घंटे की धूप आती है, तो आप ये फ्लावर प्लांट्स खरीद सकते हैं आपकी नर्सरी से। ये फ्लावर प्लांट्स जो मेरे बालकनी में हैं, आज मैं वही फ्लावर प्लांट्स आपको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरे बालकनी में भी 4 से 5 घंटे की धूप आती है और वही 4-5 घंटे में कितने सारे फ्लावर खिले हैं आप देख सकते हैं। बस आपको ओवर फर्टिलाइजर नहीं करनी है और ओवर वाटरिंग भी नहीं करना है और सही टाइम पर प्रूनिंग करना है, बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। तो चलिए, मेरे बालकनी में सबसे पहले मैं जिस फ्लावर प्लांट के बारे में बात करूँगी वो है हिबिस्कस। हिबिस्कस की बहुत सारे वैरायटीज होते हैं, पर जो सबसे इजीली ग्रो करता है वो भी सिर्फ 4 घंटे की धूप में, वो है देसी हिबिस्कस। मेरे पास जो हिबिस्कस की वैरायटीज है वो है देसी हिबिस्कस। मैं हर मंथ इसको फर्टिलाइज करती हूँ सही तरीके से और ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, पर हाँ डेफिनेटली अगर इसकी मिट्टी थोड़ी सी ड्राई दिखे तो मैं ज़रूर इसको पानी दे देती हूँ। और गर्मी के टाइम आने से पहले इसको ज़रूर मैं प्रूनिंग कर देती हूँ। नेक्स्ट है जो है बोगनविलिया। ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है और ये एकदम इजी टू मेंटेन है। एक्चुअली इस प्लांट को आप ज़्यादा पानी देंगे तो ये फ्लावरिंग ज़्यादा नहीं करता है, तो यानी कि इसको आप जितना कम पानी देंगे ये उतना स्ट्रेस में आ जाता है और स्ट्रेस में आने के ये प्लांट फ्लावरिंग करना स्टार्ट करता है। तो यानी कि पानी कम और फ्लावर ढेर सारा, ज़्यादातर फुल सनलाइट में ये अच्छा, बहुत ही अच्छा ज़्यादा ग्रो करता है। पर अगर आपके बालकनी में 5 घंटे की धूप आती है तो काफ़ी है, और आप देख सकते हैं कि मेरे बालकनी में सिर्फ 5 घंटे की ही धूप आती है इस साइड पर। तो मेरे बालकनी में कितने सारे बोगनविलिया के फ्लावर्स खिले हुए हैं और ये सालों भर खिलता रहता है। बस हर मंथ इसको फर्टिलाइज सही से कीजिए और जैसे ही फ्लावरिंग करने के बाद ये फ्लावर सूख जाएगा उस ब्रांच को आप थोड़ा सा कट कर दीजिए ताकि फिर से नए ब्रांच आए और नए ब्रांच में फिर से नए फ्लावर आ जाए। तो इस तरह बोगनविलिया को प्रूनिंग कीजिए और ढेर सारे फ्लावर आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वाला जो फ्लावर है, ये फ्लावर सभी के घर में मिलता है और ये रेन लिली। ये रेन लिली फ्लावर बहुत ही इजी टू ग्रो है, ये अपने आप ही ग्रो कर जाता है, वो भी रेनी सीजन के टाइम पे। बस 2-3 घंटे की धूप बहुत ही सफिशियंट है, क्योंकि हम लोगों को सभी को मालूम है कि रेनी सीजन के टाइम पर ज़्यादा धूप इन पौधों को, इन फ्लावर प्लांट को मिलता नहीं है और ये अपने आप ही फ्लावरिंग करने लगता है। बैरिकेटेड जो रेनिली होती है उसको थोड़ा सा सनलाइट अगर ज़्यादा दे, जैसे कि 2-3 घंटे की सनलाइट मिल जाए तो वो काफ़ी है और आप देख पाएंगे कि आपके पास ढेर सारे रेनिली खिलने लगेंगे। तो जिन लोगों के पास छत होता है उन लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि उन लोगों के पास फुल सनलाइट होता है, उन लोगों के पास इसीलिए ढेर सारे रेनिली खिलता रहता है। एक ही चीज़ की इसकी ज़रूरत होती है, वो है रेन ड्रॉप। बस जितना सारा रेन ड्रॉप इसको मिलेगा, यानी कि जितने सारे बारिश का बूंद इस पे गिरेगा, उतना ही आपके पास फ्लावर ज़्यादा खिलेंगे। मैं जो करती हूँ, मैं हमेशा जब भी बारिश होता है बारिश के पानी को बचा के रखती हूँ। जिस दिन बारिश नहीं होती उस दिन भी मैं डाल देती हूँ इस फ्लावर प्लांट पर। अब नेक्स्ट जो मेरे पास फ्लावर है वो है विंसा। विंसा तो सभी के घर में होते हैं और ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, ये अपने आप ही ग्रो करता है। जो सीड बनते हैं और वो सीड से भी कभी कभी अपने आप ही ग्रो हो जाता है। मेरे जो ये फ्लावर प्लांट है आप देख सकते हैं, ये दरअसल सीड से ही अपने आप ही खुद ग्रो हुआ था। इसको बस रेगुलर वाटरिंग करें, रेगुलर पानी दें, बस इसको और कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप साल में बस 2-3 बार इसको खाद दे दें वही काफ़ी है, पर मैं फिर भी हर मंथ इसको फर्टिलाइज करती हूँ। बस वेरीगेटेड वाला जो विंसा प्लांट होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है मेंटेन करना, यानी कि धूप ज़्यादा उसको ज़रूरत पड़ता है, पर देसी वाली जो होती है उसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, यानी कि 2-3 घंटे की धूप सफिशियंट है। अब नेक्स्ट जो मेरे पास फ्लावर प्लांट है वो है एक्सोडा प्लांट। ये एक्सोडा प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, इसके ढेर सारे एक ब्रांच में फ्लावर बनते हैं और ये प्लांट को भी ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस अगर आपके पास 4 घंटे की धूप आती है बालकनी में या आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर, बस 4 घंटे की धूप इसके लिए सफिशियंट है। इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बस हर मंथ इसको फर्टिलाइज कीजिए और सही फर्टिलाइज इस पर डालें। ओवर फर्टिलाइज़ बिल्कुल भी मत कीजिए, ओवर वाटरिंग और ओवर फर्टिलाइज़ के कारण ही ज़्यादातर फ्लावर प्लांट मर जाते हैं। मेरे यहाँ पे पूरे साल भर ये एक्सोडा प्लांट फ्लावरिंग करता रहता है।
मेरे पास ये दो वैरायटी के एक्सोरा प्लांट है, एक पिंक कलर के और एक ऑरेंज कलर के, और भी ढेर सारे कलर के एक्सोरा प्लांट होते हैं। इस फ्लावर प्लांट के फुल केयर टिप्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अभी जो मैं मेरे पास फ्लावर प्लांट की मैं बात करूँगी वो है बेली यानी कि मोगरा। इसके स्मेल इतना खूबसूरत होता है, इसीलिए ये फ्लावर प्लांट ज़्यादा फेमस है। और ये फ्लावर प्लांट अगर आपके पास 4 से 5 घंटे की धूप आती है तो ये बस आराम से चल जाएगा, यानी कि पर्शियन शेड में भी मोगरा यानी कि बेली फ्लावर चलता है। बस इसको सही टाइम पर प्रूनिंग करना, यानी कि फरवरी के टाइम पर इसको प्रूनिंग कर दीजिए और आपको ये सालों भर फ्लावर देता रहेगा। तो अब जो नेक्स्ट मेरे पास फ्लावर है, फ्लावर प्लांट, वो है पर्पल हार्ट यानी कि पर्पल क्वीन। इस फ्लावर प्लांट को बस 2-3 घंटे की धूप सफिशियंट है, और ये प्लांट सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप मेरी वीडियो आपको यूज़फुल लगा है, तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, और मुझे इंकरेजमेंट करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं फिर नए वीडियो के साथ आपको मदद कर सकूँ, आपको हेल्प कर सकूँ। सो सी यू सून, हैप्पी गार्डनिंग।